Alright, welcome back to the channel guys. I hope you guys are doing absolutely good. और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड गुड हूँ. आज का ब्लॉग क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हमेशा की तरह. पर आज एकदम अनएक्सपेक्टेड ब्लॉग है, बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ को मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं करा था. आई मीन मैं किसी काम से गया था वो चीज़ के लिए एंड वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए उसको. सो अभी आप लोगों को इसके बाद के कुछ क्लिप्स देखना है, आप लोगों को समझेगा कि डूड हार्डवर्क पेज ऑफ. एंड ये वीडियो में मैंने मतलब देखा है कि लोग कैसे मेहनत करते हैं फैक्ट्रीज में, बेकरीज में. एक्चुअली आज हम लोग गए थे, दिवाली आ रही है और लोग यहाँ पे क्रैकर्स वैकर्स पे वीडियो बना रहे, पर हम लोग तो कुछ अलग करते हैं. सो अभी सबके घर पे नान कटाई वगैरह बनते हैं, सारे फरार बनते हैं जिनको हम लोग स्वीट्स एंड ऑल बोलते हैं. ठीक है, तो सब लोग क्रैकर्स बजाना अभी चालू है. सो सबके घर पे आई मीन मिठाई वगैरह क्रैकर्स वगैरह बचते हैं. यहाँ पर आए थे जहाँ पर पाव और बेकरीज जहाँ पर पाव वगैरह बनता है एग्जैक्टली. मतलब बिल्कुल भी इजी नहीं है ये, इधर इतने सारे प्लेस रखे हैं, इतने सारे बंदे उधर काम कर रहे हैं और इन लोगों की मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है ये सारी चीज़ें करने के लिए. और बाहर ये सारी चीज़ें आराम से आसानी से अवेलेबल है, पर इसके जो पीछे मेहनत है वो किसी को नहीं मालूम. सो मैं भी आप लोगों को धीरे धीरे बताता हूँ आगे कैसा है. सो ये हज़ारों इधर ट्री है और इधर लोग हंस भी रहे हैं मुझ पर, और ये हीटर है और ये अंकल ने हमारी नान कटाई बनाई है. अंकल कैसा बनता है वो, उसके बारे में कुछ बताओ. वो कितना डिग्री सेल्सियस पे चलता है? और वो अंदर पूरा कोयला है उधर? हाँ अंगार है, अंगार है पूरा. और ये सीक है जिससे कि बिस्किट अंदर ढकले जाते हैं, उनमें पाव बनता है. अच्छा, उनमें पाव बनता है. ये खाना बनाने आ रहे हैं अंगार निकाल के. अच्छा ठीक है, 12 बजे पाव दौड़ेगा. 12 बजे तक पाव दौड़ेगा? 12 बजे भी दौड़ेगा उसमें. हाँ. अभी बनेगा. अच्छा, तो अभी ये जो इधर ये भैया पाव जो बना रहे हैं वो इधर सेके जाएंगे. एकदम इक्वल नाप का वो लोग आटा लेते हैं और फिर उसको एक ट्रे में डाल के पाव के शेप का बना के उसको अंगार में डालते हैं. सो वही गाइस, अभी तुम लोग जैसा कि देख सकते हो. अंकल ये क्या, कौन सी मशीन है ये? अच्छा ये पाव बनाया जा रहा है, जिस तरह आटा गुना जा रहा है, वहाँ वीडियो शूट कीजिए. देखिए, हम वड़ा पाव तो बहुत खुशी से खाते हैं, लोग खाना पसंद भी करते हैं, लेकिन जो पाव है वो देखिए कितनी मेहनत से बनता है, लोग कितना मेहनत कर रहे हैं. अभी ट्रे में आटा डाला जा रहा है, इसके बाद हमें नहीं पता क्या होगा, हम देखेंगे और फिर आपको बताते हैं. ओके. और राइट गाइस, एंड आज मेरे भाई का बर्थडे 22 अक्टूबर 2019. सो मोहित भैया का बर्थडे है अभी मेरे मासी के लड़के का, तो मासा जी ने मेरे इतना बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसको डेकोरेट कर चुके हैं एंड बाकी सारी चीज़ें जो भी है. तो आज हम लोग भाई को एक सरप्राइज़ देने वाले हैं. हम लोग अब 3 बजे से लगे हुए थे, मैं आधी एग्ज़ाम लिख कर मैं आया ताकि मैं भाई का डेकोरेशन कर सकूँ. हाँ, पर मेरी माँ ने मुझे काम में लगा दिया था, सो मैं नहीं कर पाया. बट मेरी दीदी वगैरह ने और मासा जी ने मेरे मिलकर सब सारा काम किया है. हम लोग देखते हैं भाई को अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज देते और उनका रिएक्शन कैच करते कैसा है कैसा नहीं. सो भाई चलो घर. हर दिन ये आए बार बार दिन ये मेरी है.
Alright, so thank you very much for watching this video. For whatsoever is entity watched it, if you liked it, please give it a thumbs up and do comment down below and share this video till the great extent. Till then, stay sexy, baby. Or once again, happy birthday, Monu Bhaiya. Bye, love, peace, or chalo mat barabari karo. और कुछ लोग सेल्फिश लोग हैं जो कि अपने काम होने तक कांटेक्ट रखते बाद में फिर नहीं रखते सो वही